बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ कश्मीरी लोकल ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे कश्मीरी में कांदर चोट या गिर्द भी कहते हैं। इसका जो टेक्सचर है बाकी नान से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ये ब्रेड थोड़ी सी सॉफ्ट, चुई, क्रिस्पी रहती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कप ल्यूक वॉर्म वाटर लिया है, जिसमें 1 टेबल स्पून मैं घी ऐड कर रही हूँ। घी से इसका जो मज़ा है दुगना हो जाता है। आप चाहे तो घी का इस्तेमाल ना करें। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब देखिए, एक खुले से बर्तन में मैं 2 कप मैदा ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ मैं इसमें 1 टेबल स्पून इनस्टेंट यीस्ट ऐड करूँगी, 1 टीस्पून शुगर यानी चीनी, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नमक, और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे गूनेंगे। हमने जो पानी और घी मिक्स करके रखा था उससे हम इसे गूनेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और गूनते जाएंगे। इसे हमें बिल्कुल सॉफ्ट गूनना है, जैसे हम चपातियों के लिए आटा गूनते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट डो इसे हम बनाएंगे। करीबन 10 मिनट लगे हैं इसे हमें हाथ से गूनने में। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट गून चुका है ये। और अब मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। इसे हम ढक के रखेंगे प्रू होने के लिए, जब तक इसका साइज जो है डबल ना हो जाए। और ये जो पानी है इसे हम ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए, ये जो डो है अच्छी तरह से प्रू हो चुका है और अब हम इसे डिफ्लैट करेंगे, इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। और अब हम इनके पेड़े बनाएंगे, सेम जैसे हम रोटी चपाती के लिए पेड़े बनाते हैं वैसे, न ज़्यादा बड़े न ज़्यादा छोटे। ये देखिए, और सारे पेड़े तैयार करके हमने रख दिए हैं। देखिए, एक पेड़ा हमने ले लिया है और बाकियों को हम कवर करके रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक आयरन की पैन ली है। आप चाहे तो ओवन की ट्रे ले सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहे। अब ये जो पानी है अच्छी तरह से मैंने हाथ पे लगाया है और पाम की मदद से हम इस रोटी को बनाएंगे। इसे हम थोड़ा सा पाम से स्ट्रेच करेंगे और गोल शेप इसको देंगे। अगर हमें लगे ये कहीं पर थिक है तो उसी हिसाब से आप उसे वहाँ पर प्रेस करें। ये रोटी ना ज़्यादा हमें बड़ी साइज़ की बनानी है ना छोटी, बिल्कुल एक मीडियम साइज़ की जैसी होती है। अब दोनों हाथों की उंगलियों की मदद से इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। ऐसे हम प्रेस करेंगे, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लिया है जो हम अच्छी तरह इस पर लगाएंगे। घी ऑप्शनल है, पर इससे रोटी का मज़ा बहुत ही अच्छा आ जाता है। अच्छी तरह किनारों पे लगाए, बीच में आप इस पर इसके बाद खशखाश लगाएं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आउन को मैंने ब्रॉयल की सेटिंग पे 15 मिनट पहले प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। इसे हमें ब्रॉयल की सेटिंग पे ही कुक करना है, यानी जो टॉप वाला शेल्फ है उस पर हम इसे कुक करेंगे।
जितना ये क्लोज हीट के हम इसे कुक करेंगे उतना ही इसका टेक्सचर अच्छा आ जाएगा। एक बार इसका कलर ऊपर से अच्छा आ गया, यानी ब्राउन जैसे रोटी का कलर होता है, फिर हम इसे दूसरे साइड से टर्न करके कुक करेंगे। 1 से 2 मिनट तक टोटल इसका टाइम है कुकिंग का, या आपके ओवन पे डिपेंड करता है। जो ही इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसे निकालिए। ये देखिए कितने क्लोज हम इसे कुक कर रहे हैं, और एक बार ऊपर से कलर अच्छा आ जाएगा तो हम इसे टर्न करेंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है एक साइड से, और दूसरी साइड से अब हम इसे रखेंगे कुक होने के लिए। और सारी रोटियां ऐसे ही हमने रख दी है बना के। ये देखिए इनका कलर टेक्सचर कितना अच्छा आ चुका है। ये बिल्कुल सॉफ्ट चूवी क्रिस्पी बनी है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।